अपना ये उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया से चले गए और यर्दन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया और ईसा ने वहां लोगों को चंगा किया। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने ईसा से कहा, तब मूसा ने पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? ईसा ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि व्यभिचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वो व्यभिचार करता है। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब ये बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें ये वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज के निमित्त अपने को नपुंसक बना दिया है। जो समझ सकता है वो समझ ले। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख कर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसे लोगों का है। और वो बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर वो नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो ये असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेत्रुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से ये कहता हूँ, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं
पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे।